में इन दिनों हर की पैड़ी पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इस दौरान ब्रह्मकुंड के पास की सीढ़ियों की मरम्मत का कार्य भी चल रहा है, जिसके चलते कुछ सीढ़ियां हटाई जा रही थी। सीढ़ियां हटाने के दौरान नीचे शिलाओं पर अलग भाषा में लिखे लेख मिले, जिसको देखकर गंगा सभा के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी सभी को दी गई। शिलाओं की सूचना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी दी गई। देखने से पता चलता है कि ये शिलाएं काफी पुरानी हैं। हालांकि वर्तमान में ये कहना मुश्किल है कि ये शिलाएं किस लिपि में हैं। ये भी उम्मीद जताई जा रही कि इन शिलाओं से हर की पैड़ी के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। देखिए, हर की पौड़ी क्षेत्र में आप जानते हैं कि पूरा सौंदर्यकरण और मरम्मत आदि का कार्य चल रहा है। तो आरती स्थल के जो पीछे की हमारी सीढ़ियाँ हैं, उनकी भी मरम्मत आदि का कार्य चल रहा था। तो जो पुरानी सीढ़ियों की जो शिलाएं हैं, जब उन्हें हटाया गया तो उसके नीचे और प्राचीन जो सीढ़ियाँ हैं वो निकल के आई, और उन सीढ़ियों पर किसी लिपि या भाषा में कुछ लिखा हुआ भी है। हमारे लिए वर्तमान में ये कह पाना मुश्किल है कि वो कौन सी भाषा है और क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनमें जो सक्षम अधिकारी हैं, उनसे संपर्क किया है और उन्हें हमने इस लिपि की फ़ोटो भी भेजी है और उनसे सैम्पलिंग के लिए भी हमने आग्रह किया है, जिससे कि हर की पौड़ी की जो प्राचीन सीढ़ियाँ निकली हैं ये कब की निर्मित हैं और हर की पौड़ी का जो इतिहास है, इस विषय में हमारे और अधिक जानकारी हो सके। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि हर की पौड़ी बहुत ही प्राचीन हमारा तीर्थ स्थल है, तो ये कब कब इसका सौंदर्यकरण हुआ, कब कब इसका निर्माण और पुनर्निर्माण हुआ, इसके विषय में और अधिक साक्ष्य के साथ पुष्ट जानकारी हमें प्राप्त हो पाएगी। इसी विषय में हम जो हैं सक्षम विभाग के अधिकारियों से संपर्क करते हैं। मेरे को इस बात का तो ज्ञान नहीं, कितने वर्ष पुरानी है ये क्या नाम भर्तृहरि जो हुए, तो राजा भर्तृहरि दो ढाई हज़ार वर्ष पहले, क्योंकि 2270 संवत है ये, उनके नाम से चला है विक्रमी संवत। उनके तो 400 वर्ष की बात है, 300 साढ़े 300 वर्ष की, वो यहाँ ये छतरी बनी हुई है मानसिंह की। कुछ लोग तो कहते हैं भाई इसके अंदर फूल हैं, फूल नहीं इसके अंदर, वो अपनी याददाश्त में राजा महाराजा बना देते थे छतरी। राजस्थान में बहुत हैं, नाम बना दे भाई ये फला राजा की छतरी है, फला की छतरी है, ये उस जमाने की है, और उन्होंने फिर यहाँ पुजारी रख दिया, छतरी बनी थी। हर की पैड़ी पर निकली इन प्राचीन शिलाओं को देखने के लिए वहाँ पर लोगों का भी तांता लगा रहा। आपको बता दें कि हर की पैड़ी पर मानसिंह की छतरी का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था, जबकि हर की पैड़ी का निर्माण विक्रमादित्य के कार्यकाल में हुआ था। अब ये जांच का विषय है कि जो शिलाएं यहाँ पर मिली हैं वो कितनी पुरानी है। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।